बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार बिहार का सोमनाथ मंदिर। चार प्रवेश द्वार है, चार वेदों के आधार पर। सात दरवाजों को पार करने के बाद आपको भगवान बुद्ध के दर्शन होंगे। 80 फीट विशाल प्रतिमा, बिहार का सबसे ऊंचा भगवान शिव का प्रतिमा। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हमारी एक और अद्भुत शानदार यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों बिहार का महापर्व छठ पूजा दिखाने के बाद अब हम बिहार का सोमनाथ मंदिर आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार का सोमनाथ मंदिर। आपने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के बारे में सुना होगा या देखा होगा, लेकिन यहाँ बिहार के सासाराम में भी सोमनाथ मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। 7 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्घाटन होना है। बाबा रामदेव जी भी यहाँ पर आएंगे, भारत के धार्मिक गुरु महामंडलेश्वर भी यहाँ पर आने वाले हैं। सामने मेरे पीछे आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर एक दृश्य, और यहाँ बिल्कुल मेरे पीछे आप देखिए भगवान शिव की पूरे बिहार में सबसे ऊंची प्रतिमा 111 फीट। और सोमनाथ मंदिर के अलावा यहाँ पर भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा के अलावा भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा भी है, और भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की समूची जीवन यात्रा को सजीव चित्रण के जरिए, चित्रों के माध्यम से यहां पर दिखाया गया है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार। उसके अलावा विभिन्न देवी देवताओं और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सेवियों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो राष्ट्र धर्म और सर्वधर्म संभाव का अद्भुत समन्वय आपको पायलट बाबा धाम में देखने को मिलेगा, सोमनाथ मंदिर में देखने को मिलेगा। तो भव्य अद्भुत शानदार यात्रा यहाँ सासाराम में पायलट बाबा धाम की शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं सासाराम में पायलट बाबा धाम, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, और बिल्कुल सामने बिहार का सबसे ऊंचा भगवान शिव का प्रतिमा 111 फीट। और भगवान शिव की प्रतिमा के जस्ट आगे भगवान श्री राम की भी प्रतिमा सामने आप देख रहे हैं। ये जो शिव प्रतिमा आप देख रहे हैं 5 वर्षों में बनकर के तैयार हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है, और इसका जो आधार है बहुत ही मजबूत है। और विशाल प्रतिमा जो सामने आप देख रहे हैं उससे ऊंचा त्रिशूल है, और त्रिशूल के ऊपर तड़ित चालक लगाया गया है कि जब भूकंप भी आएगा तो इस विशाल प्रतिमा का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा। और शिव के प्रतिमा के जस्ट सामने नंदी महाराज का भी यहाँ पर बड़ा सा विशाल मूर्ति है। और बिल्कुल सामने आप देखिए मेन प्रवेश द्वार आश्रम के अंदर जाने का, ऊपर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान है, विश्राम कर रहे हैं। और गेट के लेफ्ट साइड में शिव परिवार, महादेव परिवार, और राइट साइड में महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा। चलिए पायलट बाबा धाम परिसर में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही आप पायलट बाबा धाम परिसर में प्रवेश करेंगे आपको दर्शन होंगे देवताओं के, पवन देव, अग्नि देव, भगवान विष्णु, सूर्य देव, सभी देवताओं को यहाँ मेन गेट पर ही स्थापित किया गया है। और राइट साइड में आपको दर्शन होंगे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश। जैसा कि सनातन धर्म में मान्यता है जो स्टार्ट होता है गणेश और लक्ष्मी से होता है। और बिल्कुल सामने आप देखिए मोक्ष द्वार, उसके बाद तपस लोक है। तो कुल 7 गेट बनाए गए हैं, और 7 गेट को पार करके आप भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा का दर्शन कर सकेंगे। हम अंदर भी चलेंगे, भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, परंतु उसके पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार का सोमनाथ मंदिर। बिल्कुल सामने आप देखिए बन करके तैयार हो चुका है, बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार बिहार का सोमनाथ मंदिर। और ये आप देखिए मेन प्रवेश द्वार मंदिर के अंदर जाने के लिए, और प्रवेश द्वार पर आप देख रहे हैं लक्ष्मी, गणेश और शिव परिवार।
और विभिन्न लोकों को यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया है। ये आप देखिए सत्यलोक, सत्यलोक के देवी देवताओं को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल, और सत्यलोक से जैसे आप आगे बढ़ेंगे शैवलोक, भगवान शिव का लोक, और इसके जस्ट बगल में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत माता। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उसकी तस्वीर सामने आप देख रहे होंगे। और बिल्कुल सामने आप देखिए भगवान अघोरेश्वर, भगवान राम जो कि अघोर गुरु थे, भारत के एक महान गुरु। अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। विभिन्न धर्मों के, विभिन्न मतों के, विभिन्न संप्रदायों के महापुरुषों को, समाज सेवियों को यहाँ पर जगह दी गई है, बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे। और जिन्होंने देश के आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, स्वतंत्रता सेनानियों को भी यहाँ पर जगह दी गई है। राष्ट्रवाद की अवधारणा के तहत चंद्रशेखर आज़ाद। और इसी के जस्ट सामने आप देख रहे हैं चिड़ियाखाना, बतख, हंस और खरगोश बहुत आयत में यहाँ पर आपको मिलेंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए कि बहुत ही भव्य जो है यहाँ पर पायलट बाबा धाम बनकर तैयार हो चुका है, और पर्यटन के क्षेत्र में हमें लगता है कि नए अध्याय की शुरुआत होगी, ये हम आपसे आकांक्षा करें। इसमें दो मत का है कि पर्यटन के क्षेत्र में नई आकांक्षा नहीं होगी, एकदम सही है। और लेकिन अब तक जिस तरह से होना चाहिए सासाराम में, जो कि एक ऐतिहासिक धरती है, पुरातन सभ्यता है, पर अभी तक तो नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया कुछ जनप्रतिनिधियों की कमी के कारण नहीं हो पाया। अगर जनप्रतिनिधि सही रूप से इंटरेस्ट लिए होते तो यहाँ का माहौल कुछ और होता। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम MLA थे तो छोटी छोटी मंदिर बना के आपको गुजरात में, राजस्थान में, छोटी मंदिर ये तो बहुत बड़ी है, छोटी मंदिर के का तो वहाँ बड़का देवता जी हैं, वहाँ चलिए दर्शन करने। सरकार ने अपने लेवल पर उसको इतना हाईलाइटेड किया कि उसको देखने के लिए हम लोग जाते थे, पैसा लगा लगा कर घूमते थे। और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको तो अगर इसका मैंने प्रसार प्रसार हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सासाराम अपने पुराने गौरव में फिर वापस लौटेगा सर? बिल्कुल लौट सकता है, बिल्कुल। अरे ये आपको हो गया, रोहतासगढ़ किला हो गया, चौरासन श्री मंदिर हो गया। रोहतासगढ़ किला सर, रोहतासगढ़ किला हम कई बार जा चुके हैं, हम कवरेज कर चुके हैं, पर हर बार नीतीश कुमार जी भी वहाँ पर आते हैं, बार बार घोषणाएं करते हैं कि यहाँ पर लिफ्ट लगेगा, अब तक लेकिन कुछ नहीं हो पाया सर। ये बात कहने की है, आप जाके फाइल चेक कराइए। मैं 2010 में MLA था और वहाँ जो है रोपवे का जो है प्लानिंग मैं अपने जो है पीरियड में स्टार्ट कराया, क्वेश्चन किया, उसके बाद उसका वो क्या बोलाता है DPR तैयार करवाया, और उसके बाद जो है अकबरपुर से अधौरा रोड के लिए मैंने ही किया, समझिए ना। लेकिन हुआ क्या कि अब दूसरे बार जो है हमारे नेता द्वारा टिकट जो है दूसरे को शेयर कर दिया गया, हम दोबारा जीते नहीं, दूसरे साथी जो आए इंटरेस्ट नहीं लिए, आज तक नहीं बन पाया। तो आपको लगता है कि बिहार सरकार इसमें रुचि नहीं दिखा रही है बिहार के पर्यटन डेवलपमेंट के लिए? मैंने कहा कि बिहार सरकार की बात नहीं है, यहाँ की जनप्रतिनिधियों की बात है। जनप्रतिनिधि इंटरेस्ट लेगा काम हो जाएगा। मैंने इंटरेस्ट लिया नौहट्टा में डिग्री कॉलेज बनवा दिया, मैंने इंटरेस्ट लिया आपको दुर्गावती डैम को चालू करा दिया, मैंने इंटरेस्ट लिया आपको जो है ना जाकर देख सकते हैं तुम्बा में ITI कॉलेज बनवा दिया। इंटरेस्ट लेने की बात है जनप्रतिनिधि की, लोकल जनप्रतिनिधि MLA हुए, MP हुए, इनकी अपनी काम है। हाँ बिल्कुल सर ने सही बात कहा, बिहार सरकार तो अपनी जगह है, अगर जनप्रतिनिधि सही तरीके से काम करने लगे, ईमानदारी से काम करने लगे तो क्षेत्र को डेवलप होने में देर नहीं लगेगी। बताइए सर, जो है सासाराम की भव्य रूप में आगे बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है? अभी आज़ादी के बाद यह पहला स्थान है जहाँ सासाराम का विकास होने जा रहा है। अब शुरू होगा, अब शुरू होने, और बिहार नहीं पूरे देश स्तर पर
पूरे देश स्तर पर अगर कहीं इस तरह का मंदिर है तो महाजोगी पायलट बाबा का सहरसाराम में है। और आप बनारस से गया के बीच में चलते हैं तो पर्यटक को खास करके यहाँ पे बगैर कहे हुए इसका अट्रैक्शन, यहाँ का सेवा, यहाँ का भाव, यहाँ का व्यवहार ऐसा है कि पर्यटक आ रहा है और जब पर्यटन का क्षेत्र यहाँ पे आना शुरू कर देगा तो सहरसाराम अपने आप बढ़ जाएगा और यहाँ के लोगों का भविष्य चमक जाएगा। और उसी के लिए महाजोगी पायलट बाबा ने इसको किया। आने वाला दिन सहरसाराम का स्वर्णिम दिन होने जा रहा है। बगल में आप देख रहे हैं आलोक जी हैं, पायलट बाबा धाम के उपाध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करेंगे। धन्य हो पायलट बाबा की इस रोहतास की धरती से जन्म लेके एक ऐसा कीर्तिमान और ऐसा एक कीर्तिमान स्थापित किए कि अब ये सहरसाराम की नगरी पायलट बाबा धाम के नाम से जाना जाएगा। कि जो सोमनाथ मंदिर अब गुजरात के बाद इतनी भव्य मंदिर, मुझे लगता है कि मगध गया से लेके और बनारस तक सोमनाथ मंदिर जिस तरह से बना है वैसा मंदिर अभी नहीं बना है। और 7 तारीख आने वाला 7 तारीख को जो उद्घाटन समारोह है ये रोहतास की धरती के लिए बहुत ही स्मरणीय दिन रहेगा। सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है, पर्यटन के क्षेत्र में सहरसाराम के लिए एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। और सर ये बताइए कि जो विभिन्न धर्मों का समन्वय किया गया है और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, तो क्या ये राष्ट्र जो सर्वधर्म संभाव है वो डेवलप होगा, उसे मजबूत होगा? देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। तो भारत की बात छोड़िए, विदेश का एक सर्किट बनना सारनाथ टू गया और इसके बीच में ये सहरसाराम, तो आपको दिखाई देता होगा कि भी सभी धर्म के लोग, जितने सभी संत महात्मा का यहाँ पर एक स्थल बनाया गया। इसीलिए कि सर्वधर्म की जिस बात करते हैं तो नहीं कि जो शांति की जो आपसी मतभेद है, जो आपसी भेदभाव है वो खत्म होगा। वही चीज है, वही चीज। आपको बुद्ध बने क्या, बुद्ध तो यही संदेश देते थे ना, बुद्ध का तो यही संदेश है कि सर्वधर्म और सद्भाव है। तो ये जो चीज है ये आपको गया से लेके अब सारनाथ के बीच में एक बना जो कि अद्भुत है। ये ऐसे आप देखेंगे बोध गया से लेकर और बनारस तक इतना बड़ा मंदिर आपको दिखाई देगा कहीं भी नहीं। और इसमें कम से कम सभी देवी देवताओं का वास किया गया है, सभी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। जो जिस श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भक्तगण अपना भाव चाहते हैं, जिस देवी को उपासना करना चाहते हैं, सभी देवी देवता यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके अपना ध्यान, योग इत्यादि सब कर सकते हैं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और बिल्कुल सामने आप देखिए पायलट बाबा का निवास स्थान, यहीं पर जो देश प्रदेश के श्रद्धालु आते हैं यहीं पर रहते हैं, विश्राम करते हैं। और दोस्तों यहाँ सोमनाथ मंदिर में 4 प्रवेश द्वार है, 4 वेदों के आधार पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के आधार पर। ये आप देख रहे हैं 2रा प्रवेश द्वार, लेफ्ट साइड में नंदी महाराज और राइट साइड में सिंह। पूरे रोहतास जिला नहीं, पूरे शाहबाद रीजन का सबसे भव्य मंदिर सामने आप देख रहे हैं, सोमनाथ मंदिर। और अब हम बात करने जा रहे हैं पायलट बाबा धाम के अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार सिंह। सर बताइए पायलट बाबा धाम और यहाँ सोमनाथ मंदिर के बारे में। जो नाम आप सुने हैं महायोगी पायलट बाबा धाम, तो फाइटर विमान के बाबा जी पायलट थे। तो बनाने के पीछे योजना क्या थी उनकी, कुछ न कुछ योजना जरूर रही होगी। समझिए पहले, समझिए। बनाने की योजना ये थी कि ये फाइटर विमान चलाते थे, उसी बीच कुछ अकस्मात ऐसा घटना हुआ कि पूरा इंजन फेल हो गया और कोई संत इनको उड़ते उड़ते आगे आगे ले जाके विमान लैंड करा दिया। और उसी समय से जो निकल गए सो निकल गए, बहुत दिन तक हिमालय में रहे। उसके बाद जल समाधि लिए 15-15 दिन, एयर टाइट शीशा में समाधि लिए, भूमिगत समाधि लिए। अब आपको देश विदेश हर जगह इनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, सारे लोग जुट रहे हैं, विश्व के कई एक देश से लोग आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना माटी का कर्ज उतारा है। माटी का नहीं कर्ज उतारा है, इन्होंने अपने देश का कर्ज उतारा है। विश्व में विश्व शांति के लिए ये अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, माटी का कर्ज नहीं, पूरे देश का। बहुत सर, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है
कि अभी जो जिस तरह से मतभेद है या लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं है विभिन्न संप्रदाय और धर्मों के बीच में, अगर ऐसे परिदृश्य में ऐसे वातावरण में अगर कोई महापुरुष ऐसा काम करता है संभव के लिए, सर्वधर्म संभव के लिए, उससे ऊंची बात कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब हम आपको बैग से सोमनाथ मंदिर दिखाते हैं। और यहाँ पर पायलट बाबा धाम में आरती शुरू हो चुका है भगवान शिव का। अभी आप देख रहे हैं महायोगी पायलट बाबा, गुरु जी की आरती हो रही है। और अभी पायलट बाबा की भोजपुरी में आरती हो रही है और सामने आप दर्शन कर पा रहे हैं महायोगी पायलट बाबा। समर्पयामि सोमनाथ महादेव की जय हो, मैया की जय हो, दुर्गे माता की जय हो, वंदे माता की जय हो। और दोस्तों अब आप देखिए रात के समय सोमनाथ मंदिर का नजारा लाइटिंग्स में, और मेन गेट से आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर पायलट बाबा आश्रम का नजारा। ये 7 गेट आप देख रहे हैं, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, मोक्ष द्वार। 7 द्वार को पार करके भगवान बुद्ध के मंदिर तक जाया जाता है। बहुत ही अद्भुत परिकल्पना की गई है दोस्तों। मेन गेट से 7 दरवाजों को पार करने के बाद आपको भगवान बुद्ध के दर्शन होंगे। 80 फीट विशाल प्रतिमा, बुद्धत्व की ओर जन्म से लेकर निर्वाण तक का बहुत अद्भुत चित्रण यहाँ पर किया गया है। अंदर जैसे यहाँ प्रवेश करेंगे अद्भुत शांति की अनुभूति आपको होगी। नमो बुधाय। और भगवान बुद्ध के विभिन्न रूपों को यहाँ पर दिखाया गया है, जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की पूरी जीवन यात्रा को आप इस परिसर में देख सकते हैं। अगर निर्वाण के मार्ग पर चलना है, दुखों से मुक्त होना है, तो भगवान बुद्ध के मार्ग के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है दोस्तों। यही धर्म का मार्ग है, यही सत्य का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग है। और बिल्कुल सामने आप देखिए बोधि सत्व द्वार। अंदर भगवान बुद्ध की गर्भगृह में बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। ये आप सामने देखिए महायोगी पायलट बाबा, जिनकी ये सोच थी कि भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। एक माटी का कर्ज उतारा उन्होंने इस भव्य धाम के जरिए, बोधि सत्व द्वार। गर्भगृह में जैसे आप आएंगे अद्भुत शांति की आपको अनुभूति होगी। दोस्तों आज हमने सासाराम में महायोगी पायलट बाबा धाम की यात्रा की, यहाँ का सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के तर्ज पर बना है वो दिखाया, भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा, और जो उद्घाटन की तैयारी है 7 नवंबर गुरु पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अंतिम चरण में है। तो सासाराम के लिए पर्यटन के लिहाज से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी यात्रा आपको कैसे लगी, और हम कोशिश करेंगे कि 7 तारीख को भी उद्घाटन के दिन हम यहाँ पर आए और आपको कवर करके दिखाएं।